एक ओर जहां कोरोना वायरस विश्व भर में महामारी का रूप ले चुका है, प्रधानमंत्री द्वारा 21 दिनों का बंद बुलाया गया है ताकि कोरोना वायरस को हम सब मिलकर हरा सके, जिसका समर्थन सभी जनमानस कर रहे हैं। वहीं कई लोग, कई संस्थाएं आर्थिक रूप से कमजोर गरीबों का भी सहयोग कर रहे हैं। ऐसा ही देखने को बीनागुड़ी में मिला। हम भी भूखा ना रहे व साधु न भूखा जाए, इस पंक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं बीनागुड़ी के नागरिक। बीनागुड़ी डिजिटल राशन केंद्र से मुफ्त में पिछले 4 दिनों से 35 किलो सरकारी राशन और 3 किलो चीनी मात्र 41 रुपये में प्राप्त किया जा रहा है। बीनागुड़ी ग्राम पंचायत के पहल पर लोग भी दान देने में किसी से कम नहीं हैं। बड़े बड़े धनवान को दान देते तो देखे हैं, परंतु यहाँ एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार भी दान देने में किसी से कम नहीं है। 35 किलो राशन लेने वाले में कितने लोग ऐसे हैं जो 5 केजी 10 केजी अपने हिस्से का राशन उन गरीबों के लिए दान दे रहे हैं, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, या जो लोग बाहर से आकर यहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। इस योजना को बीनागुड़ी ग्राम पंचायत की ओर से रिलीफ फंड का नाम दिया गया है, जिसमें बीनागुड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान दीपक श्याम तथा पंचायत सदस्य उमेश प्रसाद एवं अन्य पंचायत सदस्यों के साथ साथ कई आम लोग भी शामिल हैं। हमारे सामने जो समाज सेवी लोग अपने योगदान दे रहे राशन के तौर पर, उसके बारे में दो शब्द हमारे दीपक श्याम जी बोलेंगे। दीपक श्याम राशन तो यहाँ पे जो है आदमी आ रहा है, जिसको जो डोनेशन करना कर रहा है, अच्छा सहयोग भी अच्छा मिल रहा है। हम लोग चावल और आटा यहाँ से कलेक्शन कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको जो हम घर घर पहुँचाएंगे, इसका साथ में मसाला तेल, इसका साथ में चना और कुछ मिला के हम लोग तय करेंगे। 2 दिन हम लोग घर घर कोशिश करेंगे। हमारा बीनागुड़ी पूरा अंचल जो 23 पार्ट है, 23 पार्ट में कितना आदमी को हम लोग चुन के पा सकते हैं। अच्छा, ये चावल और आटा तो यहाँ से मिल रहा है, बाकी सामग्री आप लोग अपने से मिला के कर रहे हैं? सामग्री इसमें कोई समस्या भी है तो दे रहे, दोनों कर रहे हैं, बहुत आदमी है, कुछ हम लोग भी सोच हम लोग भी कर रहे हैं, सब मिलकर कर रहे हैं। तो रिलीफ फंड के लिए आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये क्या सरकारी आदेश अनुसार या अपने स्वेच्छा से ये कर रहे हैं? नहीं, हम लोग जो पाठ पंचायत लोग है या कुछ हमारे समाज सेवी भाई लोग है, उन लोग मिलके हम लोग एक प्रोग्राम किया कि जो लोग के पास राशन कार्ड नहीं या बाहर से मजदूरी करने आए थे जी। लेकिन आज का दिन में भाड़ा घर में या जहाँ तहाँ श्रम लेके बैठे, उनके खाने के लिए नहीं है, उनको समाज में कोई नहीं पहचानता कि बाकी भी लेके खाए, तो उन लोग तक हम लोग इस रिलीफ फंड से कुछ कुछ हम लोग सभी को मिलकर उनके घर तक पहुँचाएंगे। लोग सहयोग कर रहे हैं? काफी सहयोग कर रहे हैं। बहुत कोई ऐसे है जिसके पास आर्थिक स्थिति सही है, वो अपना पूरा राशन डोनेट कर रहे हैं। मेरा राशन है, इसको पूरा डोनेट कर दीजिए। है जी, अभी हमारे पास आए हमारे गुड्डू जी हटकोला के, है जी कदे, तो ये अपना पूरे राशन डोनेट किए। हम लोग स्वेच्छा से ले रहे हैं, किसी से जबरदस्ती नहीं है। इसके साथ कोई पैसे वगैरह रुपए भी आपको आर्थिक रूप में मदद कर रहे हैं? नहीं, अभी तक ऐसा हम लोग किसी को ये भी प्रपोजल भी नहीं दिया और ऐसा अभी तक नहीं आया है। लेकिन बहुत कोई है कि रिलीफ देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग भविष्य को देखते हुए प्रिपेयर हो रहे हैं कि आगे हम लोग को बहुत मजबूती से लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, समाज को लेकर लड़ना है, तभी हम लोग सक्सेस होंगे, नहीं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है और परिचय? मैं उमेश प्रसाद, पंचायत मेंबर हूँ बीनागुड़ी के, साथ में हमारे प्रधान साहब है। अच्छा, ये रिलीफ फंड के लिए जो आप लोग कलेक्शन कर रहे हैं, इसको कहाँ कहाँ और कैसे लोगों को वितरण करेंगे? जो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि अभी जो महामारी लगा हुआ है, इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में जो कमाने वाले मजदूर है वो घर पर रह के, उनकी आमदनी तो कुछ है नहीं, और ऐसे मजदूरों के लिए हमको एक रिलीफ फंड बनना है, किसी में से उनको दिया जाएगा जो कि अपने गुजारा कर पाएंगे। अच्छा, ये रिलीफ फंड के लिए जो आप लोग कलेक्शन कर रहे हैं, इसको कहाँ कहाँ और कैसे लोगों को वितरण करेंगे? जो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि अभी जो महामारी लगा हुआ है, इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में जो कमाने वाले मजदूर है
वो घर पर रह के उनकी आमदनी तो कुछ है नहीं, और ऐसे मजदूरों के लिए हम सब चेक रिलीफ में बनवाए, किसी में से उनको दिया जाएगा जो कि अपने गुजारा कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू है। अच्छा, आज आपने अपने 35 किलो सरकारी राशन आपको मिला है उसको आप पूरी तरह से डोनेट कर दिए, क्या उद्देश्य है आपका? ताकि गरीब को भूखा ना मरे, यहाँ पे कोई भी भूखा पेट ना रहना पड़े, सबको खाना मिले, राशन मिले, हम यही चाहते हैं। हमारे पास में कोई भी एक आदमी भूखा ना रहे, सभी को अन्न मिले। तो ये जो रिलीफ फंड के लिए लोग जो दान कर रहे हैं, इनके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करें, हम सभी इसमें दान देने की कोशिश करें अपने तरफ से, ताकि हमारी तरह वो लोग भी भूखा पेट ना रहे, सब लोग पेट भर खा सकें, इसलिए हम लोग सभी सहयोग।